नमस्कार श्रोताओं शाम के ठीक सात बजकर बीस मिनट हुए हैं और यह समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का आज की स्पोर्ट्स कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश प्रेम स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है धन्यवाद सिद्धार्थ आपको और स्पोर्ट्स कैन सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार सबसे पहले नजर अब तक स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर पारूप कश्यप स्विट्जरलैंड के बासेल में चल रही स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे महिला विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बाद सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बनी सेंचुरियन में तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला दो एक से अपने नाम की और आईपीएल क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया उनके स्थान पर रविन्द्र जडेजा को टीम का नया कप्तान बनाया गया और खेल खबरों की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से पारूपल्ली कश्यप स्विट्जरलैंड के बासेल में चल रही स्विस ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं दूसरे दौर में उन्हें विक्टर एक्सेसन के साथ मुकाबले में वॉकओवर मिला जिसकी वजह से वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचे पुरुष सिंगल्स के दूसरे दौर में इस समय किदाम्बी श्रीकांत का सामना फ्रांस के क्रिस्टो पोपो से चल रहा है और आज ही पुरुष सिंगल्स में एच एस प्रणय और समीर वर्मा भी अपनी चुनौती पेश करेंगे महिला सिंगल्स की बात करें तो पीवी सिंधु का सामना आज दूसरे दौर में तुर्की की निसलहान इगिट से होगा साइना नेहवाल भी खेलेंगी उनका मुकाबला मलेशिया की किसोना सिर्वाडूरे से होगा और चालीहा अगले दौर में स्कॉटलैंड की आठवीं वरीता प्राप्त कर्स्टी गिलमर से खेलेंगी तो आज बहुत सारे मुकाबले अगर हम देखें प्रेम तो होने वाले हैं और जिस तरीके से वॉकओवर मिला है परूप कश्यप को और जिसकी वजह से वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं क्या कहेंगे देखिए ये बहुत अच्छा मौका है और बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है चाहे हम 2012 के लंदन ओलंपिक्स की बात करें या 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की, की उनका अनुभव एक बहुत बड़ा है जो उनके काम आने वाला है और ये वॉक ओवर से शायद उनको और कॉन्फिडेंस होगा इस चीज के लिए और आशा करते हैं कि बहुत अच्छा खेलेंगे और कुछ अच्छी खबर हमको देंगे बिल्कुल और जिस तरह से विक्टर एक्सेलसन के साथ उनका मैच होना था और 2017 के वर्ल्ड चैंपियन हैं 2020 के ओलंपिक चैंपियन हैं और काफी एक कड़ा मुकाबला माना जा रहा था डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसन के साथ लेकिन अब चूंकि वॉकओवर मिल गया है इसलिए वो अगले राउंड में पहुंचे हैं और इस समय जो मुकाबला चल रहा है किदाम्बी श्रीकांत का फ्रांस के क्रिस्टो पोपो से तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक मैच है इस समय और दोनों खिलाड़ी अपना जो है जिसे कहते हैं दमखम दिखाने में लगे हुए हैं जी किदम्बी श्रीकांत भी आ, बहुत ही अच्छे बैडमिंटन प्लेयर है जिनका उनका भी खुद का एक बहुत बड़ा अनुभव है एज ए प्लेयर और आ, का, ट्रेनिंग की भी इनफैक्ट बात करें तो बहुत हार्ड ट्रेनिंग वो करते रहे हैं अभी तक और हमको काफी सारे अर्जुन अवार्ड से लेकर बहुत सारे अवार्ड मिले हैं आ, हमको पता है कि वो अभी भी इतना ही बेहतर करेंगे जी बिल्कुल और फिलहाल अभी कुछ मैच होने हैं लेकिन सबकी निगाहें जो महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का जो सामना है वो दूसरे दौर में तुर्की की निसल हान इगिट से होगा और आज सबकी निगाहें इस मैच पर लगी हुई हैं क्योंकि कल पीवी सिंधु ने डेनमार्क की लाइन होजमार को 21-14 और 21-12 से हराकर अगले दौर में प्रवेश किया था तो निसल हान इगिट के साथ जो मुकाबला होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है जी बिल्कुल पीवी सिंधु आ, अगर मैं भारत की बात करूं भारतीय एथलीट्स की बात करूं तो मोस्ट सक्सेसफुल स्पोर्ट्स पर्सन की श्रेणी में आती है जिन्होंने बहुत सारे मेडल्स जीते हैं बहुत सारे इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स में मेडल्स जीते हैं चाहे ओलंपिक्स की बात करें या फिर आ, जो है आ, एक बात यह भी है कि वो फर्स्ट इंडियन प्लेयर है बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने दो कंस्टिक्यूटिव लगातार इंडिविजुअल्स में खिताब जीते हैं तो उनका बहुत अच्छा अनुभव भी है और बहुत अच्छी फॉर्म में भी है मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि बहुत अच्छी फॉर्म में है तो हम आशा कर सकते हैं कि शायद यहां भी वो अपने मुकाबले को आसानी से निकाल सके बिल्कुल इसके अलावा साइना नेहवाल पर भी सबकी नजर रहने वाली है जो कि सोना सिलवाडुरे से अपना मैच खेलेंगी और इसके अलावा चालीहा पर भी सबकी निगाहें होंगी जो कर्ज गिलमर से अपना दमखम दिखाएंगे और अब बात करते हैं क्रिकेट की महिला विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और वेस्टइंडीज के बीच मुकाबला बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका और दोनों टीमों को एक एक अंक मिला इसके साथ ही दक्षिण अफ्रीका सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली दूसरी टीम बन गई है इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है आज एक दूसरा मैच भी हुआ जिसमें इंग्लैंड ने पाकिस्तान को नौ विकेट से हरा दिया टॉस जीतकर इंग्लैंड ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया पाकिस्तान की टीम एक पांच रन बनाकर ऑल आउट हो गई इंग्लैंड ने जवाब में उन्नीस ओवर और दो गेंद में एक विकेट पर 107 रन बनाकर मैच जीत लिया इंग्लैंड की ओर से डेनी वायट ने अड़सठ गेंद में छिहत्तर रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया तो अगर हम देखें तो आ, प्रेम जो सेमीफाइनल की जो राह है दो टीमें जो हैं, दो सेमीफाइनलिस्ट जो हैं वर्ल्ड कप के मिल चुके हैं और दक्षिण अफ्रीका की बात करें और ऑस्ट्रेलिया की बात करें और आज जिस तरह से एक एक अंक का बंटवारा हुआ है दोनों के बीच में तो ये जो है एक काफी समीकरण ऐसा बन गया है कि अब जो सेमीफाइनल की दौड़ है वो ज्यादा रोमांचक हो गई है आ, बिल्कुल देखिए ऑस्ट्रेलिया पहले से सेमीफाइनल में है और हम सोच थे कि आज का मैच अगर किसी नतीजे पे पहुंचता और ऐसा होता कि दक्षिण अफ्रीका जीत जाती है तो वेस्टइंडीज अपने आप ही नीचे चली जाती है हालांकि वेस्टइंडीज से हमारी भारतीय टीम की रनरेट काफी ऊपर है आ, लेकिन क्योंकि बारिश के कारण धुल गया तो बहुत सारा केस मच गया है और अब जो सेमीफाइनल होगा कौन सी टीम पहुंचेगी आ, अगर मैं संक्षिप्त में कहूं तो आ, भारत की टीम को कहीं न कहीं अपना जो अगला मैच वो भी अपने बड़े प्रतिद्वंदी के साथ है साउथ अफ्रीका के साथ वो निश्चित रूप से जीत इतना ही होगा तो शायद वो सेमीफाइनल की दौड़ में इन रहेगी और कुछ अच्छे समीकरण बन सकते हैं वो भी कहीं न कहीं थोड़े से अच्छे फासले से जीतना पड़ेगा बिल्कुल अगर भारत की बात करें तो छह मैच में से छह अंक हैं भारत के और निट रन रेट प्वाइंट सेवन सिक्स एट का है अभी उसको दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच होना बाकी है और वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच जिस तरह से मैच ये रद्द हुआ एक एक अंकों का बंटवारा हुआ इससे भारत की मुश्किलें जो हैं वो कहीं न कहीं बढ़ गई हैं अब भारत को अपना अगला मैच जीतना ही होगा फिर बारिश के कारण मैच रद्द हो जाए तो उनके लिए क्वालीफाई करने की संभावना बढ़ जाएगी इसके अलावा भारत के लिए एक रास्ता यह भी है कि इंग्लैंड अपना अगला मैच बड़े अंतर से अगर हारता है तो इससे उसका नेट रन रेट खराब हो जाएगा और भारतीय टीम के लिए एक रास्ता खुल जाएगा हालांकि ऐसे परिणाम के काम आसार हैं कुल मिलाकर अगर हम देखें तो भारत को सिर्फ एक अंक की जरूरत है अगले नॉकआउट राउंड में जाने के लिए बिल्कुल और वो सबसे बेहतर यही है कि वो दक्षिण अफ्रीका से वो मैच जीते और अच्छे फासले से अगर जीतेगी तो उसकी नेट रन रेट अभी तक ठीक है और अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगी और हम आसानी से शायद सेमीफाइनल में क्रैक कर जाए बिल्कुल और अगर इंग्लैंड के ऊपर अगर हम प्रदर्शन पर एक नजर डालें तो छह मैच में छह अंक हैं नेट रन रेट उसका प्वाइंट सेवन सेवन एट है और अभी बांग्लादेश के साथ उसका मैच होना बाकी है पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने अगर हम देखें तो सिर्फ उन्नीस ओवर दो गेंद में मैच को जीत लिया था इसका मतलब यह भी है कि उनका जो रन रेट है वो पॉइंट सेवन सेवन एट आज काफी अच्छा माना जा रहा है और ये भारतीय टीम से थोड़ा सा ऊपर है फिलहाल इंग्लैंड का नेट रन रेट सेमीफाइनल के लिए जो दौड़ में जो टीमें हिस्सा ले रही हैं उन सब में सबसे बेहतर है अगर वो रविवार को बांग्लादेश की टीम को हरा देती है तो उनका सेमीफाइनल में पहुंचना लगभग तय हो जाएगा हालांकि वो टूर्नामेंट के इस चरण को नंबर तीन या नंबर चार की टीम बनकर खत्म करेंगी इसके लिए उन्हें दूसरी टीमों के परिणामों के लिए इंतजार करना होगा अगर भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाला मैच भी बारिश के कारण धुल जाता है तब भी इंग्लैंड आसानी से अगले दौर में पहुंच जाएगा तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं और बांग्लादेश की टीम अगर इंग्लैंड के खिलाफ बड़ा उलटफेर करती है और भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को हराने में कामयाब हो जाती है तो इंग्लैंड सेमीफाइनल में तब नहीं पहुंच सकता और ऐसी परिस्थिति में ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका वेस्टइंडीज और भारत सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और अगर भारत को दक्षिण अफ्रीका हरा देता है और इंग्लैंड की टीम अपना अगला मैच हार जाती है तब भी वो सेमीफाइनल तक पहुंची क्योंकि उनका निट रन रेट जो है वो इस समय काफी बेहतर चल रहा है बिल्कुल इंग्लैंड की टीम का रन रेट ऊपर है तो संभावनाएं उनके पक्ष में ज्यादा है लेकिन हमारी टीम बहुत अच्छी है कुछ यंग प्लेयर्स बहुत अच्छा कर भी रहे हैं तो ऐसी आशा की जा सकती है कि अगर वो अगला मैच जीतती है साउथ अफ्रीका के साथ तो शायद हमारे चांसेस ज्यादा हो जाए बिल्कुल और अगर वेस्टइंडीज की बात करें तो वेस्टइंडीज ने सात मैच में सात अंक हैं और नेट रन, रन रेट उनका जो है अगर हम देखें तो प्वाइंट जो है माइनस में है वेस्टइंडीज के सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना इस बात पर टिकी है कि भारत या इंग्लैंड अपना अगला मैच हार जाए और उनके पास बस छह अंक ही रहें अगर दोनों टीमें जीतती हैं या उनका मैच बारिश से प्रभावित भी रहता है तब भी वेस्टइंडीज की टीम इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी इसका सबसे जो बड़ा खराब कारण है वो है इसका रन रेट जो है वो काफी कम है तो इस वजह से जो है इसकी संभावना काफी कम दिखती है और इस समय जो दो सेमीफाइनलिस्ट हमारे डिसाइडेड हैं इसके अलावा न्यूजीलैंड जो है वो छह अंक में मैच है चार अंक उसके पास है और अभी पाकिस्तान के साथ उसका मैच होना बाकी है और तीनों टीमों के पास छह से ज्यादा अंक हैं साथ ही भारत इंग्लैंड का रन रेट भी काफी बढ़िया है तो इस तरह से मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो फिलहाल दो सेमीफाइनलिस्ट जो होने वाले हैं उनके ऊपर सबकी निगाहें ठीक रहेंगी बिल्कुल और ये अच्छी चीज भी है क्रिकेट में हमेशा से रोमांच को पसंद किया जाता है और ये जो आज मैच बारिश के कारण धुला है इसके कारण इसका रोमांच और ज्यादा बढ़ गया है और अब बात करते हैं इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल क्रिकेट 2022 के 15वें संस्करण की जिसकी शुरुआत शनिवार से हो रही है इस संस्करण में चार प्लेऑफ के लिए 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं आईपीएल के सीजन के लिए बीसीसीआई ने दो नई टीमें लखनऊ सुपर जायट्स और गुजरात टाइटन्स शामिल की हैं शनिवार को मुंबई में ओपनिंग मैच में पिछली बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा तो आइए सुनते हैं आईपीएल दो पर स्पोर्ट्स डेस्क की यह खास रिपोर्ट इंडियन प्रीमियर लीग का ज शनिवार से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो रहा है इसमें पिछले साल की विजेता चेन्नई सुपर किंग्स और उपविजेता कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच पहला मैच खेला जाएगा। इस आईपीएल की खास बात यह है कि अब दर्शकों को भी 25 प्रतिशत क्षमता के साथ मैच देखने की अनुमति दे दी गई है इस बार आईपीएल में दस टीमें हिस्सा ले रही हैं और दो नई टीम लखनऊ सुपर जाय और गुजरात टाइटंस अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। इस बीच आईपीएल शुरू होने से पहले महेंद्र सिंह धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है उनके स्थान पर रविन्द्र जडेजा को टीम का नया कप्तान बनाया गया है धोनी अब आई में बतौर खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे धोनी ने 2008 यानी पहले सत्र में ही चेन्नई की कप्तानी संभाली थी पिछले चौदह सत्र में धोनी ने 204 मैचों में सीएसके की कप्तानी की है इसमें से चेन्नई ने 121 मैच जीते हैं और बयासी में हार का सामना करना पड़ा धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स ने चार बार 2010, 2011, 2018 और 2021 में आईपीएल क्रिकेट की ट्रॉफी जीती मुकेश कुमार स्पोर्ट्स कैन जी हां आज ये आईपीएल के शुरू होने से ठीक दो दिन पहले जो है ये बड़ा फैसला कप्तान धोनी का और अब वो खेलते नजर नहीं आएंगे क्योंकि धोनी अक्सर जो है इस तरह के जो चौंकाने वाले फैसले हैं उसके लिए जाने जाते हैं और ये बड़ा आ, क्या कुछ आप देख रहे हैं कितना प्रभाव पड़ेगा आ, इसका टीम बिल्कुल अभी वो आ, कप्तान नहीं रहेंगे बाकी एज ए खिलाड़ी वो खेलते रहेंगे इस तरीके के बहुत सारे फैसले हम लोग अगर पीछे जाके देखें तो धोनी लेते रहे हैं वो एक मंझे हुए खिलाड़ी नहीं बल्कि एक परिपक्व खिलाड़ी और इंसान भी है उनको पता है कब कौन सा डिसीजन लेना होता है ऐसा लगता है जैसे धोनी अपनी लाइफ स्टोरी एक स्क्रिप्टिंग ऑलरेडी कर रखी हो चाहे उनका इंडियन टीम की कप्तानी छोड़ने का फैसला हो चाहे उनका संन्यास लेने का फैसला हो चाहे आज आईपीएल शुरू होने से दो दिन पहले ये कप्तानी छोड़ने का फैसला हो लेकिन वो पहले से इसके लिए प्रिपेयर रहते हैं भारतीय टीम की कप्तानी छोड़ने से पहले भी ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने विराट कोहली को पहले से ही तराशना शुरू कर दिया था और अभी भी ऐसा लग रहा था कि पिछले संस्करण से ही उन्होंने ये सुखबुगाट शुरू भी हो गई थी कि जडेजा या किसी ऐसे प्लेयर को वो कप्तानी सौंपने के मूड में है तो निश्चित रूप से वो टीम के हित में इस तरीके के फैसले लेते रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात भी है और इसके अलावा वीजा के कारण पहले मैच में जो मोइन हैं वो आ, खे, नहीं खेल पाएंगे पंद्रह मैचों में पिछले साल मोइन ने तीन रन बनाने के साथ छह विकेट लिए थे और काफी मतलब चार बार के जो चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स ने नीलामी से पहले मोइन को रिटेन रखा था तो एक खबर यह भी है और दीपक चाहर जो है चेन्नई के जो तेज गेंदबाज हैं वो भी अभी फिलहाल लीग के शुरूआती मैच हैं उसमें नहीं खेलेंगे तो ये तो बात थी आईपीएल की लाहौर में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए तीन सौ इक्यावन रन का लक्ष्य दिया है आज मैच के चौथे दिन पाकिस्तान ने बिना किसी नुकसान के तिहत्तर रन बना लिए थे और अभी भी जीत के लिए दो सौ अठहत्तर रन की आवश्यकता है इमामुल हक बयालीस और अब्दुल्ला शफीक सत्ताईस रन बनाकर क्रीज पर हैं ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में तीन सौ इक्यानवे और दूसरी पारी तीन विकेट पर दो सौ सत्ताईस रन बनाकर घोषित की पाकिस्तान ने पहली पारी में दो सौ अड़सठ रन बनाए थे और अगर हम देखें तो पाकिस्तान में बहुत दिनों के बाद जो है इस तरह की टेस्ट सीरीज चल रही है और अब इस तीसरे टेस्ट पर सबकी निगाहें हैं बिल्कुल देखिए आज चौथा दिन है और इन लोगों को अभी पाकिस्तान की टीम को अभी दो रन बनाने हैं और पाकिस्तान की टीम में ये बिल्कुल काबिलियत है कि वो आ, कल यानी अंतिम दिन पांचवें दिन दो रन बना सकती है जैसा कि उनके दोनों प्लेयर आ, इमामुल हक बयालीस और आ, अब्दुल्ला शफीक सत्ताईस रन बनाकर पे हैं तो नामुमकिन नहीं है बिल्कुल और पाकिस्तान की टीम के लिए क्योंकि पाकिस्तान बहुत अच्छे प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम में हमेशा से रहे हैं तो ऐसा लगता है कि कल शायद इस लक्ष्य को वो पार कर लें जी बिल्कुल तो सबकी निगाहें इस मैच पर होंगी सेंचुरियन में तीसरे से एक दिवसीय क्रिकेट मैच में बांग्लादेश ने दक्षिण अफ्रीका को नौ विकेट से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला दो एक से अपने नाम कर ली है टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मेजबान दक्षिण अफ्रीका की टीम 37 ओवर में मात्र एक रन पर सिमट गई। जवाब में बांग्लादेश ने 26 ओवर और तीन गेंद में एक विकेट के नुकसान पर एक रन बनाकर मैच जीत लिया बांग्लादेश की ओर से तस्कीन अहमद ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पैंतीस रन पर पांच विकेट लिए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया तो। बांग्लादेश की टीम का शानदार प्रदर्शन रहा है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ और एक बड़े अंतर से नौ विकेट से हराया है एक ही विकेट गंवाकर जो है इन्होंने लक्ष्य हासिल कर लिया आ, बिल्कुल क्रिकेट में ऐसे उलटफेर अक्सर होते रहे हैं लेकिन इसको हम केवल एक संयोग नहीं कह सकते बांग्लादेश की टीम ने धीरे धीरे अपने आप को काफी अच्छे लेवल पे तराशा है और अभी वो दक्षिण अफ्रीका में खेल रही है और दक्षिण अफ्रीका की ही सरजमी पे इस तरीके से अगर इस अच्छे लेवल से मैच जीतती है तो एक कहा जा सकता है कि क्रिकेट में काफी क्रिकेट जो खेल है उसमें काफी अच्छा लेवल हम लोग अचीव कर पा रहे हैं भुवनेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एफआईएच ने आज एफआईएच प्रो लीग के चौथे सीजन के लिए नया कार्यक्रम जारी किया है जिसके अनुसार भारत अक्टूबर 2022 में अपने घर में न्यूजीलैंड के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगा भारत इसके साथ ही 30 अक्टूबर को स्पेन के खिलाफ शुरू करने वाली टीम के साथ मैचों के पहले सेट की मेजबानी भी करेगा चार और छह अक्टूबर को न्यूजीलैंड और स्पेन के खिलाफ मैच जो होने वाले हैं और ये जो कार्यक्रम है नए प्रारूप के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय घरेलू प्रतियोगिता की योजना बनाने में सहायता के लिए जिसका जो स्केड्यूल किया है वो इसमें इस तरीके से किया है कि मिनी टूर्नामेंट भी खेला जाएगा और एक जो अगर हम देखें तो दोनों टीम जो है नए स्केड्यूल के साथ आएंगी और पहले सीजन के लिए ऑस्ट्रेलिया अर्जेंटीना बेल्जियम इंग्लैंड भारत नीदरलैंड्स और न्यूजीलैंड में मैचों की मेजबानी की जाएगी मैच 28 अक्टूबर 2022 से 5 जुलाई 2023 के बीच खेले जाएंगे तो इस तरह से जो एफआईएच है इसका जो है चौथे सीजन के लिए नया स्केड्यूल आ चुका है और चलते चलते बात करते हैं टेनिस की मियामी में इंडियन वेल्स में क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन के बाद ऑस्ट्रेलिया के निक किर्गिधे सेट में एक और जीत के साथ मियामी के अगले राउंड में पहुंच गए हैं उनकी सात छह छह तीन से जीत फ्रांस के एड्रियन मनारिनो के खिलाफ आसान नहीं थी लेकिन मजबूत सर्विस ने दबाव को दूर रखा और दोनों सेटों में जबरदस्त जीत हासिल की के जो युगल जोड़ीदार हैं थनासी कोकोनाकिस ने भी एक अनुभवी फ्रांसीसी प्रतिद्वंदी के खिलाफ जीत हासिल करी और जड़ कास्केट पर छह चार छह दो से जीत दर्ज की और ये जो आ, मैच है काफी इंटरेस्टिंग रहा है और इस तरह से जो है यहां पर अगर हम देखें तो आ, निक किर्गियोस जो है वो आ, अगले राउंड में पहुंच गए हैं और श्रोताओं से हमें अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें प्रेम आप हमारे स्टूडियो में हैं तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार धन्यवाद सिद्धार्थ शुभरात्रि श्रोताओं स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन डॉट डॉट आई पर कल शाम सात बजकर बीस मिनट पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को तब तक के लिए नमस्कार शिवरात्रि